लागू हुए अभी 24 घंटे भी नहीं हुए हैं कि देश भर में गहमा गहमी का माहौल बन गया है। नागरिकता देने की प्रक्रिया अभी ठीक से शुरू भी नहीं हुई है कि देश के तमाम राज्यों में माहौल गर्मा गया है। उत्तर प्रदेश में तो बाबा ने पुलिस को खुला छोड़ दिया है और साफ तौर पर कह दिया है कि उपद्रव करने वालों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा, यानी कि हर हाल में कानून व्यवस्था चाक चौबंद है और भड़काऊ पोस्ट करने वालों को भी सबक सिखाया जाएगा। लेकिन सीए लागू होते ही पश्चिम बंगाल की राजनीति में मानो बवाल हो गया, ऐसा बवाल कि जो ममता को खूब भारी पड़ने वाला है लोकसभा चुनाव के लिहाज से भी और पार्टी के विश्वास की नजर से भी। लेकिन ऐसा क्या हुआ? दरअसल सीए के लागू होते ही टीएमसी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने एक साथ पार्टी छोड़ दी है और वे कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल हो रहे हैं और टीएमसी कार्यकर्ताओं का पार्टी छोड़ने का यह सिलसिला लगातार जारी है। सूत्रों की माने तो टीएमसी के कुछ बड़े चेहरे भाजपा में शामिल हो सकते हैं। ऐसे में लोकसभा चुनाव से ठीक पहले कार्यकर्ताओं का ये पार्टी छोड़ना ममता को करारी चोट पहुंचा सकता है, क्योंकि किसी भी पार्टी की जड़ एक कार्यकर्ता ही होता है। ऐसे में एक साथ सैकड़ों कार्यकर्ताओं का पार्टी छोड़ना लोकसभा चुनाव के लिहाज से भी अहम है। लेकिन सवाल यह है कि क्यों छोड़ रहे हैं ये कार्यकर्ता पार्टी? क्या कोई डर है या फिर ये बांग्लादेश से आए हुए हैं? ऐसे कई सवाल हैं जो उठ रहे हैं। आपको बता दें कि सीए बीजेपी का चुनावी वादा भी रहा है, जिसे लागू करने को लेकर बीजेपी पहले से ही प्रतिबद्ध नजर आ रही थी। इसके लिए पार्टी लंबे समय से तैयारी भी कर रही थी। ये लागू करने के साथ ही पश्चिम बंगाल में बीजेपी को इससे फायदे की उम्मीद है, क्योंकि यहाँ के मतुआ समुदाय को इससे नागरिकता मिल जाएगी। बंगाल में मतुआ समुदाय के करीब 10 लाख से ज्यादा लोग रहते हैं। इसके अलावा बांग्लादेश से बड़ी संख्या में प्रताड़ित हिंदू भी भारत आए थे। ऐसे में अगर उन्हें भारत की नागरिकता मिलती है तो वोट देने का अधिकार मिल जाएगा, तो ये बीजेपी के लिए बंगाल में फायदे की आंधी साबित हो सकती है। ये ममता के लिए दोतरफा झटका माना जा रहा है, क्योंकि एक तो कार्यकर्ता पार्टी छोड़ रहे हैं, दूसरा बड़ी संख्या में लोगों को भारत की नागरिकता मिल जाएगी, जिससे कि लोकसभा चुनाव का उलटफेर हो सकता है, क्योंकि कम से कम 5 से 6 सीटों पर ये लोग, यानी कि मतुआ समुदाय के लोग जो है, जीत या हार का अंतर तय कर सकते हैं। बहरहाल ममता के घर में कार्यकर्ता उनके ही कार्यकर्ता लगातार पार्टी छोड़ रहे हैं, जो कि ममता के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। क्या कुछ कहना चाहते हैं आप इस खबर पर हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।